करहल में अखिलेश यादव ने किया नामांकन। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आज समाजवादी पार्टी से करहल विधानसभा पर अखिलेश यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं प्रदेश के सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के समक्ष एसपी सिंह बघेल को अंतिम समय में उनको करहल विधानसभा पर चुनावी मैदान में उतारा है। आज अगर अखिलेश के नामांकन की बात करें तो अखिलेश के नामांकन को लेकर मैनपुरी में सुरक्षा व्यवस्था बेहद ही चकाचौंध रही। अखिलेश के रूट को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही सतर्क रहा। भारी सुरक्षा के इंतजाम आज मैनपुरी में देखे गए हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद बाहर निकले समाजवादी पार्टी के करहल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी और पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार की नीतियों और अपने चुनावी वादों को लेकर प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं करहल विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। अखिलेश यादव के बाद बीजेपी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसके बाद एसपी सिंह बघेल ने कहा, विधानसभा सीट पर अखिलेश के सामने वो प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं और इस बार हम चुनाव ऐसा लड़ेंगे कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। किसानों के लिए काले कानून लाए, आने वाले समय में किसान एकजुट हो जाएं। और मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके से 700 किसान शहीद हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके उठक बैठक भी लगाएगा 700 बार, तब भी किसान उन्हें माफ करने वाले नहीं है। कानून फिरा सकते हैं क्या? फ्यूचर में किसान विरोधी जो तीन कानून थे वो फिरा सकते हैं? बीजेपी कुछ भी कर सकती है, नाम बदल के कुछ भी आएगी तो सर पड़ोसी है, पड़ोसी है सर। मेरी मैनपुरी की जनता ने तय किया है, भैया लीड, भैया केबल 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 कि नौजवानों के हाथ में रोजगार कब आएगा, नौजवानों के हाथ में नौकरी कब आएगी। आपकी सरकार बनती है आपका राष्ट्रीय लोकतंत्र का जो गठबंधन है उसके साथ भी अन्याय हुआ, उसके साथ न्याय होगा। महंगाई में जो बहस करना चाहे कर सकता है, बेरोजगारी में जो बहस करना चाहे कह सकता है, कोई सोच सकता है कि इलाहाबाद में बच्चों के साथ क्या व्यवहार हुआ है? और केवल इलाहाबाद में नहीं या प्रयागराज में नहीं, लखनऊ में जब भी नौजवान अपना रोजगार और नौकरी के सवाल पर आया उसे अपमानित कर करके भेजा। क्या प्रयागराज में जिस तरीके से बटों से मारा गया, उनके हॉस्टलों में पुलिस न जाने कितने हजार लोगों पे अज्ञात में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ये भी सरकार है जो सरकार नौकरी नहीं दे रही, रोजगार नहीं दे पा रही, वो नौजवानों को अपमानित कर रही। आगरा में पहली बार अलग अलग विधानसभा के हिसाब से काउंटिंग हो रही है, तो आप मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं उपयोग कर रही है? पहली बार हो रहा है, देखिए पहले मंडी समिति में नौकरी होती थी, अब अलग अलग बार हो रही है। अगर अलग अलग भी हो रही है तो हो सकता है कि चुनाव आयोग ने ये जो प्रोटोकॉल के तहत एक जगह ज्यादा लोग ना जाए बीमारी को लेकर के, कोरोना को लेकर के, ये तो ये नियम तो पालन करने ही पड़ेंगे। ऐतिहासिक वोटों से यहाँ की जनता जिताएगी, और केवल समाजवादी पार्टी करहल से नहीं, मैनपुरी और पूरे उत्तर प्रदेश में देखिएगा आप, जनता तैयार है मतदान करने के लिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदल गई। आप बताइए बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, उनकी भाषा क्या है, किस तरफ चुनाव को ले जाना चाहते हैं? उन्हें बताना चाहिए कि जिन्होंने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था $5 trillion इकोनॉमी ले जाएंगे, उत्तर प्रदेश के वायरी ने कहा कि $1 trillion इकोनॉमी ले जाएंगे, आज अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगार नौजवान भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री देखो टैबलेट देकर के सो रहे हैं। अरे जिन्हें लैपटॉप देना था स्मार्टफोन बांट नहीं पाए और 4.5 साल टैबलेट देते हैं, और फिर बिजली को लेकर के ये जितनी भी बिजली आज उत्तर प्रदेश में मिल रही है लोगों को, ये समाजवादियों की सरकार की बनी हुई या पुरानी सरकारों की बनी हुई बिजली है। इन बाबा मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया, कारखाना तो दूर, बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। जो मुख्यमंत्री बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए वो क्या बिजली देगा? इसलिए 300 यूनिट फ्री देते ही बीजेपी का कहना ये है कि फ्री बिजली से ये विवाद बढ़ जाएगा, और
जितने विश्वासघात किसानों के साथ हुआ उन्हें पहले कहा कि आय दोगुनी होगी, आय दोगुनी हुई नहीं, उनकी आय को कम कर दिया आपने। जितने भी सरकारी विभाग में पद खाली हैं, उन पदों को भरा जाएगा और साथ ही साथ आईटी सेक्टर में, क्योंकि आईटी सेक्टर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और समाजवादी सरकार में जो फैसले लिए थे आज उससे भी आगे बढ़ रहा है आईटी सेक्टर, और लोगों ने महसूस किया है कि हर क्षेत्र में आईटी की सर्विसेज बढ़ रही हैं। तो पहला संकल्प लिया था कि 22 लाख अच्छी नौकरियां समाजवादी सरकार में नौजवानों को देने का काम और रोजगार से जोड़ने का काम समाजवादी सरकार में होगा। 22 लाख केवल आईटी सेक्टर में, अभी मैंने सरकारी विभाग नहीं जोड़े। और इसी तरह समाजवादी पार्टी ने ये भी तय किया है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, और पुरानी पेंशन को लेकर के जैसे ही समाजवादियों ने ये कहा कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, वो क्या शुरू कर रहे हैं, उनके चीफ सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि नई और पुरानी की बहस छेड़ रहे हैं। यहाँ का जितना भी सरकारी कर्मचारी है वो पुरानी पेंशन के साथ है और पुरानी पेंशन बहाल चाहिए। कि गरीब को 10 रुपए में थाली मिले जिसमें पौष्टिक आहार हो, पौष्टिक भोजन हो। पहले दिया अक्षय पात्र को बढ़ावा दिया था जिसमें बच्चों को हॉट समाजवादी सरकार बनेगी तो समाजवादी थाली में पौष्टिक भोजन मिलेगा और 10 रुपए की होगी। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें जो जरूरत की हैं, क्योंकि लोहिया जी ने कभी सिद्धांत दिया था दाम बांधो का, और दाम बांधो के तहत अगर हमें समाजवादियों को समाजवादी स्टोर या किराना बाजार ऐसे खोलने पड़े जो जरूरत की चीजें हैं उनके दाम कम हो, फिक्स हो, तो शायद गरीब लोगों को और आम लोगों को ज्यादा लाभ पहुंचे। अगले जी तो नहीं रहे भैया, कानूनी नहीं सुनते ही नहीं, काम किसानों काम करेंगे। परिवार में किसी को टिकट नहीं दिया, क्या समझाया, परिवार बात खत्म किया गया क्या? नहीं, हमारा परिवार बात तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं है। तो आपने परिवार में किसी को टिकट क्यों नहीं दिया? परिवार तो भारतीय जनता पार्टी देखे, इनके बजट जो भी आए हैं उद्योगपतियों के बजट आए हैं, इन्होंने उद्योगपतियों को ज्यादा मजबूत किया है, किसान को कमजोर किया है, उद्योगपतियों को मजबूत किया है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं या जितने लोग सुन रहे होंगे, कोविड के समय पर और लगातार इनकी सरकार की नाकामी के कारण सबने अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकाले होंगे, बीमारी में सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कम हो गया, लेकिन बैलेट पेपर से वोट डालने का कुछ चांस है क्या? ये जैसे ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत, मैं ये पत्रकार साथी सही सवाल पूछ रहे हैं, ये सुनने में आया है कि बड़े बड़े अधिकारी हर विभाग के वोटर आईडी ले ले रहे हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या अन्य सरकारी विभाग हो, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी सभी का वोटर आईडी ले रहे हैं जिससे कि सरकार दबाव बना करके उनके अब वोट डाल दे। सर, से किसी को टिकट नहीं दिया। अक्षय काम आ रहा है, नेताजी चुने गए, मुख्यमंत्री तक पहुंचे, डिफेंस मिनिस्टर तक गए, अब करहल की भी बारी है और मुझे उम्मीद है कि ऐतिहासिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी को करहल की और मैनपुरी की जनता हराएगी, और न केवल मैनपुरी की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है। और आप जिस दिन परिणाम आएंगे देखेंगे, इनको तो पहले ही घर भेज दिया। नीचे कर ले बोरा थोड़ा, क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी ने 99 अपराधियों को टिकट दी है। भारतीय जनता पार्टी संकोच क्यों कर रही है 100 सेंचुरी मारने के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो प्रत्याशी उतारे हैं उनमें 99 प्रत्याशी जो है आपराधिक मुकदमे वाले हैं, तो वो संकोच क्यों कर रही है 100 सेंचुरी पार करने के लिए? एक दो और बढ़ा दे, सेंचुरी पार हो जाएंगे। 99 में सीएम और डिप्टी सीएम भी क्या? सर, नहीं, सीएम डिप्टी सीएम तो पहले से ही बड़े बड़े मुकदमे थे। मुख्यमंत्री ने खुद अपने मुकदमे वापस लिए, डिप्टी सीएम ने खुद मुकदमे वापस लिए।